गुड मॉर्निंग बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड फॉर्म किस प्रकार से किए जाते हैं इसके बारे में लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं साइनाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। शुरू करते हैं आज का सेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइडों के रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे, ठीक है? ओके। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन। और सबसे पहले अपन जल अपघटन करा देते हैं एसिडिक, अम्लीय। पहला अपन कैसा जल अपघटन कराएंगे? अम्लीय जल अपघटन। हमारे पास में क्या है बच्चों? साइनाइड है। और साइनाइड मान लीजिए हमने ले लिया मैथिल साइनाइड, ठीक है? इसका अपन जल अपघटन कराएंगे एसिड की प्रेजेंट में, तो कैसे होगा? देखिए, ओ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दो बॉन्ड टूटे, इधर भी ये दो बॉन्ड टूट गए, ठीक है? दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे ना। कार्बन से कौन ऐड हो गया? ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड NH2। किसका निर्माण हुआ? एमाइड का। किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे? अमाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए, फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे अपन H+H2O, तो देखिए क्या होगा, HOH। ये देखिए OH नेगेटिव चार्ज है, किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। ऑपोजिट चार्ज भाई, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो OH माइनस किसके पास जाएगा? जिसके पास पॉजिटिव है, इसलिए कार्बन के पास जाएगा। H प्लस किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो क्या लिख देंगे? CH3CO H+NH3। मीन्स अम्लीय माध्यम में साइनाइडों का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण जल अपघटन करवाने पर क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आंशिक जल अपघटन कराने पे क्या प्राप्त होंगे? एमाइड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? एमाइड, ठीक है? ओके। इसी प्रकार से अगर क्षारीय माध्यम में करवाते तो देखिएगा क्या होगा। क्षारीय माध्यम में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। ये हमारा साइनाइड और माध्यम लिया हमने क्षारीय, यानी NaOH क्षार ले लेते हैं, इसके प्रेजेंट में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ईयर सेम कंडीशन, दो बॉन्ड टूटे, कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, क्या बनेगा? अमाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड का निर्माण हो गया। अब फिर से इसका जल अपघटन कराएंगे NaOH H2O। ध्यान देना बच्चों, HOH क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और NH3। क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। डिफरेंस आएगा ना। अभी देखिए ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? क्षार की प्रेजेंट में। क्षार कौन प्रेजेंट है? NaOH। बना क्या है? अम्ल। एसिड बना है, क्षार प्रेजेंट है, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये H और ये OH क्या बना लेंगे? H2O। और यहाँ पे आके कौन ऐड हो जाएगा? Na, यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट, यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण आपको प्राप्त होगा। अम्लीय माध्यम में कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्राप्त होगा, और क्षारीय माध्यम में अगर आप जल अपघटन करवाएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक बात है? इस प्रकार से आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो किसका? साइनाइड का जल अपघटन देखा। अब अपन बात करते हैं आइसोसाइनाइड का जल अपघटन। आइसोसाइनाइड का जल अपघटन किस प्रकार से होता है, देखिएगा। आइसोसाइनाइड हम यहां पे ले रहे हैं मैथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है? सेकंड पार्ट देख रहे हैं अपन आइसोसाइनाइड का जल अपघटन। ये है हमारा मैथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है? हाइड्रोलाइसिस आप करवा रहे हो,
देखो जब भी रिएक्शन होगी नाइट्रोजन सबसे पहले अपना लोन पेयर ले लेगा, ले लिया लोन पेयर, ओके डन। लोन पेयर लेती क्या कंडीशन आई, CH3N CC। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस कराओगे क्या होगा, देखिए HOH, ये टूट गया। नाइट्रोजन के पास क्या गए, दो हाइड्रोजन, प्रोडक्ट बना CH3NH2। ठीक है, OH किसके पास गए, कार्बन के पास। देखो OH किसके पास गए, कार्बन के पास। अब यहां पे मैं आपको एक टेक्निक नहीं बता रहा हूं कि किस प्रकार से होता है, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म देखनी है तो मैंने हेलो एल्केन में आइसोसाइनाइड की मैकेनिज्म, जो हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म वो कंप्लीट बता रखी है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। इसको देखिए ये केवल लर्न करने के लिए हम क्या करें, यहां पे जो ये प्रोडक्ट बना है, आप कहेंगे एक कार्बन पे दो OH H2O बाहर निकल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है, वो अपन को पूरा मैकेनिज्म से पता चलता है। और मैकेनिज्म आप लास्ट वीडियोज में हेलो एल्केन हेलो एरिन में इसका देख सकते हैं किस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस होता है। तो देखिए इसको लर्न कैसे रखेंगे, ये ऑक्सीजन कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे हुए, दो तो बना रखे हैं, और कितने बनाएगा, दो। उन दो बॉन्ड पर जाकर कौन बैठने वाला है, ऑक्सीजन। दो बॉन्ड पर जाकर कौन बैठने वाला है, ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, HC OH। किसका निर्माण होगा, HC OH, फॉर्मिक एसिड का निर्माण होगा। क्या बनने वाला है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल बनने वाला है, यानी साइनाइडों का जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है, जबकि आइसोसाइनाइडों का जल अपघटन कराने पर एक तो प्राथमिक एमीन बनती है और साथ में फॉर्म होता है, फॉर्म क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मी अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, फॉर्मिक अम्ल हो रहा है, किसमें, आइसोसाइनाइडों में। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जल अपघटन के प्रोडक्ट साइनाइड के प्रोडक्ट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और आइसोसाइनाइड के होंगे प्राइमरी एमीन एंड फॉर्मिक एसिड। आगे हम बात करते हैं अपचेन की, रिडक्शन की, कि किस प्रकार से रिडक्शन होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइनाइडों के अपचेन की और फिर आइसोसाइनाइडों के। सबसे पहले अपन ने ले रखा है साइनाइड, मैथिल साइनाइड। मैथिल साइनाइड का अपचेन आप LiAlH4 से करा सकते हो, बूओ ब्लांक करा सकते हो, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो करवा लीजिए। देखिएगा अपचेन का मतलब क्या होता है, एड ऑफ हाइड्रोजन, एड ऑफ हाइड्रोजन। दो बॉन्ड टूट चुके हैं, कार्बन से आगे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, दो। नाइट्रोजन से कितने जुड़ेंगे, दो। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3। सी तो है, दो हाइड्रोजन जुड़ गए CH2। एन है, दो हाइड्रोजन जुड़ गए NH2। क्या बनी, प्राइमरी एमीन, यानी साइनाइडों के अपचेन से प्राथमिक एमीन का निर्माण होगा। एमीन है एथिल एमीन, किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, यहाँ पे एथिल एमीन का, यानी मैथिल साइनाइड था और अपचयित होके क्या बना लिया इसने, मैथिल एमीन। इसी प्रकार से देखिएगा आइसोसाइनाइड का अपचेन करवाएं हम, आइसोसाइनाइड हमारे पास, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, देन वी टॉकिंग अबाउट सेकेंड पार्ट। हमारे पास है आइसोसाइनाइड CH3NC, ये कंडीशन है। जब अपन इसका अपचेन कराएंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ले लेगा, ठीक है, लोन पेयर ले लिया CH3N CC। अब ये वाला बॉन्ड टूटा, हो क्या रहा है, अपचेन। हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे कहां, कितने जुड़ेंगे, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, तीन, तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार, तो यहां तीन हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसका हाइड्रोजनीकरण करा दीजिए प्लैटिनम की प्रेजेंट में, प्लैटिनम की प्रेजेंट में हाइड्रोजनीकरण इसका करा दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ले चुका है, ये लो। अब कितने कितने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे, एक, कार्बन से तीन, तो प्रोडक्ट क्या लिखोगे, CH3NHCH3, मींस क्या बनी, सेकेंडरी एमीन। साइनाइडों के अपचेन पे प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है, आइसोसाइनाइडों के अपचेन पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होती है। इसका नाम एथिल एमीन है, इसका नाम डाइमेथिल एमीन। क्या नाम है इसका, डाइमेथिल एमीन, ठीक है। ये बात आप विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देर इज नेक्स्ट वी आर टॉक ए नेम्ड रिएक्शन, दैट इज थार्प अभिक्रिया। थार्प अभिक्रिया क्या है, बात कर लेते हैं। थार्प अभिक्रिया, थार्प रिएक्शन क्या कह रहा है, दो साइनाइड के अणु लीजिए, किसके अणु लीजिए, दो साइनाइड के अणु, एक साइनाइड का अणु
प्लस दूसरे साइनाइड का अणु, एक साइनाइड का अणु और ये दूसरे साइनाइड का अणु, और इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ध्यान देना बच्चों, ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस। ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस, कार्बन पे माइनस। तो कौन कहाँ जाएगा, H प्लस बाहर निकल के किसके पास जाएगा, N के पास, और ये C माइनस और ये C प्लस आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। देखना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H CH2 CN। ठीक है, एक बॉन्ड टूटा C पे प्लस, N पे माइनस, ये बॉन्ड टूटा H पे प्लस, C पे माइनस। तो प्रोडक्ट क्या आएगा देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NH CH2 CN। डबल बॉन्डेड NH क्या कहलाता है, इमीन। किसका निर्माण हुआ है, इमीनो मेंबर का निर्माण हुआ है, इमीनो मेंबर, इमीनो फैमिली के सदस्य का निर्माण यहां पर हुआ है। दिस इज थार्प रिएक्शन। जब साइनाइडों की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो दो साइनाइड के अणु मिलकर एक इमिनो फैमिली के सदस्य का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को थार्प अभिक्रिया कहते हैं। दो साइनाइड के अणु किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं वो ये आपके सामने है। आगे हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ हम रिएक्शन करवाने वाले हैं साइनाइडों की। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्या करवाएंगे आप, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लीजिए, RMGX मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3MgX ले लिया। रिएक्शन करानी है हमें साइनाइड के साथ, और साइनाइड के रूप में क्या ले लें बच्चों, मैथिल साइनाइड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, क्या होगा यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक टूटेगा, CH3 पे नेगेटिव आएगा, Mg पे पॉजिटिव आएगा। ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो C पे पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा। कौन कहाँ जुड़ेगा, C पे जाके कौन बैठेगा, CH3, N पे जाके कौन बैठेगा, MgX। CH3 डबल बॉन्ड N MgX यही बनेगा ना। ठीक है, अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराइए, जल अपघटन करवाइए। ये लो जल अपघटन, क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH। ठीक है, अब देखो यहां की कहानी सुनो, यहां पे क्या बना बच्चों, H2N MgX। इसका फिर से जल अपघटन होगा, इसका फिर से जल अपघटन होगा HOH। क्या बनेगा, NH3 प्लस MgXOH। ठीक है, तो यानी मैथिल साइनाइड का जल अपघटन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाकर जल अपघटन करवाने पर क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है, जो कि आपके सामने है। क्या प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया में हमें एसीटोन प्राप्त होता है। दो जल के अणु यहाँ पे आप देख रहे हो यूज में हो रहे हैं एट द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, और इस अभिक्रिया का पता ही होगा आपको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसकी प्रेजेंस में यूज करते हैं, ईथर की प्रेजेंस में यूज करते हैं। बात आ रही है मेरे ख्याल से समझ में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये अपन ने साइनाइड की रिएक्शंस देखी। आगे अपन बात करते हैं आइसोसाइनाइड की योगात्मक अभिक्रियाएं, आइसोसाइनाइड की योगात्मक अभिक्रियाएं बात करते हैं। आइसोसाइनाइड की योगात्मक
अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स। ओके, हम यहाँ पे ले लेते हैं मैथिल आइसोसाइनाइड CH3NC, और सबसे पहले रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ में। किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। जब भी रिएक्शन होगी आइसोसाइनाइड का, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ले लेगा, ठीक है, ले लिया लोन पेयर। ओके, लोन पेयर लेते ही अब देखिए नाइट्रोजन की तो बॉन्ड कंप्लीट है तीन पर, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे दो ही बॉन्ड बचे, तो दो बॉन्ड किसके साथ बना लेगा? क्लोरीन के साथ में। क्या बनेगा? CH3N CCl Cl। अब देखना CH3N HC, ठीक है ना, या यही आपने जो लिखा है इसको अपन नाम देने की कोशिश करते हैं कि इसका नाम क्या होगा। देखो NH को N डबल बॉन्ड H होता, N डबल बॉन्ड NH होता है, इसको हम बोलते हैं इमिनो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस जो डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे H की जगह कौन आ गया? मैथिल आ गया। अगर ये NH होता भाई, अगर ये होता C डबल बॉन्ड NH, तो इसको हम क्या कहते थे? इमिनो। पर इमिनो के साथ यहाँ क्या आ गया? H की जगह मैथिल आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? मैथिल इमिनो, ठीक है, मैथिल इमिनो। आगे सुनो, अगर यहाँ पे होता ये वाली कंडीशन, अगर O होता तो बोल देते कार्बोनिल क्लोराइड, पर कार्बोनिल क्लोराइड में O की जगह कौन आ गया? मेथिल इमिनो, तो नाम क्या हो जाएगा? मेथिल इमिनो कार्बोनिल क्लोराइड। बात सुनना, फील लेना बात की, इसको अपन इमिनो बोलते हैं, H की जगह कौन आ गया? CH3, तो क्या बोलेंगे? मेथिल इमिनो। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, अब कार्बोनिल क्लोराइड में ऑक्सीजन की जगह कौन आ गया? मेथिल इमिनो, तो नाम क्या हो जाएगा? मेथिल इमिनो कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखेंगे हम? मेथिल इमिनो कार्बोनिल क्लोराइड। एकदम फील से, एकदम प्यार से पढ़िए केमिस्ट्री को, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, आगे नेक्स्ट हम बात करें, फिर से इसी आइसोसाइनाइड की रिएक्शन हम करवा दें। किसके साथ में कराएं? इस बार सल्फर के साथ करा दें। ओके, करा दो भाई सल्फर के साथ। देखिए सेम कंडीशन, सबसे पहले नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ले लेगा, कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए, अब दो बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? सल्फर के साथ बनाएगा, सिंपल सी बात है, CH3N CC। अब यहां पे अगर O होता तो आप बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनेट, O होता तो मेथिल आइसोसाइनेट होता, पर S आ गया तो वर्ड क्या यूज करेंगे? थायो। नाम क्या होगा? मेथिल आइसो थायो साइनेट, मेथिल आइसो थायो साइनेट इसका नाम होगा, मेथिल आइसो थायो साइनेट। आगे देखिए, इसी प्रकार से NC ओजोन के साथ रिएक्शन करा दें। ओजोन हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या देगा ये? ऑक्सीजन दे देगा। लोन पेयर लिया, कार्बन के दो बॉन्ड टूटे, उससे किसको जोड़ लेगा? ऑक्सीजन को, NC डबल बॉन्ड O। इस बार इसको क्या कहेंगे? मेथिल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, ठीक है। आगे इसी आइसोसाइनाइड की रिएक्शन अगर HGO के साथ करा दी जाए, टू मॉलिक्यूल्स ले लीजिए HGO के, तो देखिए क्या बनेगा। HGO के साथ करा दी जाए तो ये भी यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको क्या बनेगा? CH3NC डबल बॉन्ड O, सेम ईयर मेथिल आइसोसाइनेट और साथ में HG2O का निर्माण होगा। तो ये है आपके मेथिल आइसोसाइनाइड की योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड की योगात्मक अभिक्रियाएं। आगे देखिएगा, यदि आपके पास में आइसोसाइनाइड है, हमारे पास में क्या है? आइसोसाइनाइड, और हम इसे लंबे समय तक अगर उच्च ताप पे हीट दे, गर्म करें, तो आइसोसाइनाइड किस में बदल जाता है? साइनाइड में बदल जाता है, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं समावयवीकरण। क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को? समावयवीकरण अभिक्रिया
कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी साइनाइड और आइसोसाइनाइड की जो रिएक्शंस है कंप्लीट होती है। आगे अपन यूरिया के बारे में बात करेंगे, बट एक समरी ले लेते हैं कि हमने कौन कौन सी रिएक्शन आज पढ़ी हैं। सबसे पहले साइनाइडों की बात कर लेते हैं। हमारे पास था CH3CN। इस CH3CN की रिएक्शन आप करवाइए H2O के साथ में, क्या बनेगा? CH3C(OH)NH2 अमाइल। फिर करवाइए H2O के साथ में तो प्रोडक्ट बनेगा CH3COOOH। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस पे आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप साइनाइड का करा दें अपचेन LiAlH4 तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2NH2 प्राथमिक एमीन। यदि आप साइनाइड की रिएक्शन करा दें सोडियम और ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा इमिनो फैमिली का CH3C(NH)CH2CN। अगर इस CN की रिएक्शन आप करा दें ग्रीनियार अभिकर्मक के साथ RMGX तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CR(NMGX। और अगर आप इसका करवा दें हाइड्रोलाइसिस तो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था CH3C(OR)NH3MgXOH। ठीक है, ये हमने इथर की रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनाइड की रिएक्शन डिस्कस करी, मैंने बाय मिस्टेक इथर बोल दिया था, साइनाइड की रिएक्शन अपन ने ये वाली डिस्कस करी। आगे अपन बात करते हैं आइसोसाइनाइड की। हमारे पास है CH3NC। सबसे पहले देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस करवाइए। जल अपघटन जब आप कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे यहाँ पे बनेगी प्राथमिक एमीन और साथ में बनेगा फॉर्मिक अम्ल HCOOH। फिर आप इसका अपचेन करवाइए प्लैटिनम की उपस्थिति में, हमने क्या कराया था? हाइड्रोजनीकरण, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3NHCH3 सेकेंडरी एमीन। इसके पश्चात आगे हम बात करें तो इस आइसोसाइनाइड की रिएक्शन हमने देखी थी किसके साथ में? सबसे पहले क्लोरीन के साथ में, Cl2 के साथ में क्या बना था? CH3NCCLCL मेथिल इमिनो कार्बोनिल क्लोराइड। फिर इसकी रिएक्शन कराई थी हमने सल्फर के साथ में, प्रोडक्ट बना था CH3NC(S) मेथिल आइसोथायोसाइनेट। फिर हमने रिएक्शन कराई थी ओजोन के साथ में, प्रोडक्ट बना था CH3NC(O) मेथिल आइसोसाइनेट प्लस O2। यहाँ पे फिर अपन ने रिएक्शन कराई थी HGO के साथ में तो भी प्रोडक्ट क्या बना था? CH3NC(O)+HG2O। और एटलीस्ट हमने क्या करा था, इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करा था, हीट दी थी, हीट दी तो ये समावेशीकृत हो गया था किसमें? साइनाइड में। तो ये कुछ रिएक्शंस जो केमिकल रिएक्शंस थी वो हमने साइनाइड और आइसोसाइनाइड की आज की क्लास में डिस्कस करी थी, जिसकी पूरा समराइज मैंने आपके सामने कर दिया है। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक गेम है, कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा थोड़ा सा रिपीट कर लोगे, पढ़ लोगे, ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हुए चलोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दिमाग से सोचने से पहले फिंगर टिप्स पे आपके पास सारे आंसर्स होंगे। पर शर्त ये है पूरा डेडिकेट होके, एकदम कंसंट्रेट करके, एकाग्रचित होके आप स्टडी करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। पढ़ाई ही आपको ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर लेके जाएगी, आपको सफलता की जो मंजिल आपकी, जो ऊंचाइयां, जिन ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हो उन ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई कर सकती है। इसलिए पढ़ते रहिए, मैक्सिमम पढ़िए, रिपीट करिए और जब भी टाइम मिलता है तो बुक को ही अपने साथ में रखिए और पढ़ते रहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तो मुझे अभी विदा दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली क्लास में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।